हेलो नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आप सभी लोगों की डिमांड के आधार पर ये आज हमारी एक साइंस की क्लास होगी, जिसमें आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए, आज की क्लास का पहला प्रश्न आप सभी के बीच है कि विटीकल्चर जाना जाता है। तो दोस्तों, ये विज्ञान की एक शाखा होती है विटीकल्चर, और आप बताएंगे कि विटीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, तो याद रखेंगे विटीकल्चर में अंगूर की खेती या अंगूर के उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक यानी जेनेटिक्स अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है। तो आप बताएंगे विज्ञान की वो कौन सी शाखा है। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों इसका जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूजेनिक्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी बीच तीसरा प्रश्न आप सभी के बीच है कि वृद्धावस्था एवं काल प्रभाव, आप याद रखेंगे वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को क्या कहा जाता है। तो आप बताएंगे वो कौन सी विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत ये कार्य किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जेरेंटोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच चौथा, सारे प्रश्न आपके UPSC और UPSSC जैसे एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है। तो याद रखें दोस्तों, ऐसा कौन सा है जिसका रक्त सफ़ेद होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, तिलचट्टा। ठीक है, याद रखेंगे ये ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन मीन है। आप याद रखेंगे इनमें से कौन मीन है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्लाइंग फिश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये मीन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है। क्या दे रहा है, नहीं है, ये याद रखेंगे, नहीं शब्द दिया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी बीच अगला प्रश्न आप सभी के बीच कि मच्छरों के नियंत्रण हेतु उपयोग होने वाली कीट बच्ची मछली कौन सी है। याद रखेंगे ये यहाँ पर दिया गया है, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग में होने वाली कीट बच्ची मछली कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर इसका याद रखेंगे सी हो जाएगा, और सी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच कि निम्न में से किसका सही सुमेलित नहीं है। इनमें से एक सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों देखिए, अगर यहाँ पर बात करें स्वजीवी की तो ये उत्पादन से बिल्कुल सही है, परजीवी उपभोक्ता ये भी बिल्कुल आपका सही है। आगे हम देखेंगे यहाँ पर अमृतोपजीवी ये विबंधन ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत सुमेलित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बी सी ये तीनों ही सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है। बताएंगे दोस्तों, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रीन प्लेटनेट्स। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव सदृश लघुतम कब है। बताएंगे मानव सदृश लघुतम कपि है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गिवन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली वेलों में विशालतम है। यहाँ पर याद रखेंगे दांत वाली वेलों में विशालतम है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ये देखेंगे आपका जो री एग्जाम हुआ था UPSC का 2015 में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है, तो स्पर्म वेल। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मछली है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेल शार्क। ठीक है, ये भारत की सबसे बड़ी मछली है। अगला क्वेश्चन, शहतूत साल बनाई जाती है। याद रखें दोस्तों, जो शहतूत साल बनाई जाती है वो किससे बनाई जाती है। तो ये दोस्तों चिरू के बाल से बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक मीन है। तो ये अभी अपन लोगों ने पता किया था, फ्लाइंग फिश। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक मछली है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से मछली कौन सी है ये आपको बतानी है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो याद रखेंगे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, समुद्री घोड़ा। ये एक प्रकार की मछली है, उसके बाद जो तीन ऑप्शन दिए गए ये मछली नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोल क्रम से होने वाला रोग है। बताइए गोल क्रम से होने वाला रोग। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फाइलेरिया, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, प्राय जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह होता है। दोस्तों आप याद रखेंगे जो भालू होता है ना, जो गांव-गांव जाके तमाशा दिखाता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो उसको हम रीच कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो रीच होता है जो गांव-गांव जाकर तमाशा दिखाता है।
अगला सबसे बड़ा अकेशरुकी है, बताएंगे सबसे बड़ा अकेशरुकी है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी स्क्विड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस में पित्ताशय नहीं होता, दोस्तों बताएंगे पित्ताशय इनमें से किस में नहीं होता, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, चूहा पित्ताशय नहीं होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होते, दोस्तों याद रखेंगे इनमें से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होते, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका, सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यानी छिपकली में, इसमें क्या नहीं होता, तो लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप यहाँ पर, निम्न में से कौन सा एक कीट नहीं है, कीट नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मकड़ी, ठीक है, मकड़ी एक कीट नहीं है, जबकि खटमल, घरेलू मक्खी और मच्छर ये तीनों ही कीट हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आता है, तो दोस्तों आप याद रखेंगे ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में इनमें से कौन सा आता है, तो दोस्तों मेंढक और सर्प ये दोनों ही क्या हैं, ठंडे रक्त वाले जानवर की श्रेणी में आते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता, जो उड़ने वाले जीव हैं वो पक्षी वर्ग में नहीं आते, तो वैसे कौन सा जीव उड़ता है, याद रखेंगे दोस्तों चमगादड़, ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी दूध उत्पादित करता है यानी दूध देता है, आप याद रखेंगे दोस्तों इसका जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, कपूत, ठीक है, ऑप्शन डी। सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, आप इन क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को लाइक भी कर दें जिससे कि हम समय समय पर आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो बनाते रहें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी दूध उत्पादित करता है, तो अभी हमने देखा था कपूत है जो दूध देता है। अगला, सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला पक्षी है, यहाँ पर देखिए पक्षी पूछा गया है, सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला पक्षी, तो ऑस्ट्रिच हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए सही कूट का चयन कीजिए, यहाँ पर देखिए ऑप्शन ये दे रहा है कि सभी पक्षी उड़ते हैं, आपको बताना क्या सभी पक्षी उड़ते हैं कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर आगे कह रहा है, रेशम, शहद एवं लाख सभी कीट उत्पादक हैं, ऑप्शन थर्ड, सभी सर्प विषैले होते हैं। अगला क्वेश्चन, सभी जीवाणु हानिकारक होते हैं। अगला क्वेश्चन, सभी विषाणु रोगजनक होते हैं, आपको बताना रूप पर आपने जो ये पांच ऑप्शन देखे इनमें से कौन सा सही है, तो दोस्तों याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल सेकंड वाला सही है। अब सेकंड में क्या दिया गया है, जो रेशम होता है वह शहद तथा लाख सभी से उत्पादित होता है, तो यही केवल सही जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते, यानी जंतु होता है परंतु उसमें खुर नहीं पाए जाते, तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी हो जाएगा, गीदड़ में, ठीक है, याद रखें जो गीदड़ होता है उसमें खुर नहीं पाए जाते। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है, यानी शरीर के अनुसार मस्तिष्क बड़ा होता है, चींटी, हाथी, डॉल्फिन या मानव, तो दोस्तों आप याद रखेंगे जो चींटी होती है उसका मस्तिष्क उसके शरीर के अपेक्षा बड़ा होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन, दांत या कुर्वरित हो जाते हैं जब पेय जल में प्रचुर मात्रा में रहती है, आप याद रखेंगे दोस्तों दांत कुर्वरित हो जाते हैं जब पेय जल में प्रचुर मात्रा में किस चीज़ का या कौन सी चीज़ पाई जाती है, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिंक जब प्रचुर मात्रा में पाई जाती है तो दांत कुर्वरित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्न घटनाओं पर विचार करेंगे और आप इसमें से बताएंगे इनको क्रम से लगाना है, ये कह रहा है कि उपयुक्त घटना को पृथ्वी पर उनके उत्पन्न होने के कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, यानी सबसे पहले कौन आया पृथ्वी पर, फिर कौन आया, इस तरीके से आपको इसमें टिक करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आए थे कवच कीट, यानी कवच वाले जीव आए थे, ठीक है, तो ऑप्शन तीन देखेंगे सबसे पहले, हम तीन कहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा सी, तो आइए हम देखते हैं, सबसे पहले कौन आए, कवच वाले कीट आए, ठीक है, कौन आए सबसे पहले, कवच वाले कीट आए, फिर उसके बाद कौन आया, तो उसके बाद पहला कीट आया, कौन, पहला कीट आया, फिर दोस्तों सरीसृप आए, फिर उसके बाद पहला स्तनधारी आया, तो इस तरीके से इनका विकास हुआ है पृथ्वी पर आने के क्रम में, ये आपका क्रम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तित करता है, तो ऑप्शन दिए गए इनमें से आपको बताना है कौन करता है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्परिवर्तन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी बीच अगला प्रश्न है कि विकास
के पर उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों जो विकास का उत्परिवर्तित सिद्धांत है ये किसने दिया था? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और इसका जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हंगो डी ब्रिज ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक वर्णांत पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांतता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रों में, पुत्रियों में, पुत्रों के पुत्रों में, पुत्रियों के पुत्रों में। तो याद रखेंगे दोस्तों, अगर कोई वर्णांतता पुरुष जिसको वर्णांतता बीमारी है वो किसी महिला से सामान्य महिला से शादी करता है तो ये जो लक्षण देखने को मिलेंगे वो किस में देखने को मिलेंगे? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये आपको पुत्रियों के पुत्रों में देखने को मिलेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे पहले पुराना जीव कौन सा है? तो दोस्तों पृथ्वी पर जो सबसे पहले पुराना जीव अर्थात पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सा जीव आया था ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे, सबसे पहले हरित नील शैवाल आए थे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेंडले ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया वह जीवधारी कौन सा था? तो याद रखेंगे दोस्तों, मेंडल ने चिर प्रतिष्ठित वंशागत नियमों का जो प्रतिपादन किया था वो किस जीव का प्रयोग किया था, जीवधारी का? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गॉर्डन पी, ऑप्शन सी। आइए आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित आनुवंशिकी रोगों में से कौन कौन संबंधित है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हीमोफीलिया, ये आनुवंशिकी रोग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डायनोसॉर्स रहे हैं, जो डायनासोर हैं वो कौन से युग में रहे हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन से युग में डायनासोर रहे हैं। तो मेसोजोइक युग, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप देख पा रहे हो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो थे विज्ञान की, जीव विज्ञान की क्लास के महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन। इसी प्रकार वीडियो आपको मिलता रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पुरानी वीडियो आप देख सकते हैं, कई सारे वीडियो हो चुके हैं SWD कोचिंग से संबंधित, प्लेलिस्ट बना हुआ है अलग से, आप एक बार प्लेलिस्ट को फॉलो करें और जितने भी वीडियो प्लेलिस्ट में आप एक एक करके सभी वीडियो को अच्छे से देख लें, ठीक है। बहुत जल्द आपके एडमिट कार्ड की जो एडमिट कार्ड वो भी आज ही शाम तक जारी हो जाएंगे, और जैसे ही एडमिट कार्ड जारी हो तो उससे संबंधित आपके सामने एक वीडियो जरूर आएगा। तो किस तरीके से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, क्या क्या सावधानी एग्जाम में बरतनी है, उससे संबंधित एक वीडियो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को इतना रखते हैं, मिलते हैं इस प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।